ये कुछ भी आसान नहीं होता, हमें दूसरे की लाइफ देखकर लगता जरूर है कि दूसरे के बहुत मजे हैं और चीजें आसान हैं। अमारा चौधरी की क्या प्रायोरिटी है, पैसा फेम? मुझे अगर पैसा और फेम चाहिए होता तो शायद मैं एक साल अपना ट्रेनिंग में ना लगाती। कितना पैसा लग जाता है एक शख्स को पायलट बनने के लिए? ऑलमोस्ट 45 लाख। प्रपोजल्स वगैरह तो बहुत ज्यादा आने लग गए होंगे, लेकिन अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वालिटी जो आपको अट्रैक्ट करती है? मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो हम्बल होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रुखशान मीर। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से किसी तौर भी पीछे हैं, बुजदिल हैं, कमज़ोर हैं या फिर प्रोफेशनल एक्सेलेंसी अचीव नहीं कर सकती? मेरे साथ आज मौजूद हैं अम्मारा चौधरी, शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, मॉडल हैं, अपना PPL कंप्लीट कर चुकी हैं और CPL की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले तो इनसे ये जान लेते हैं कि फ़र्क क्या है प्राइवेट पायलट में, कमर्शियल पायलट में, PPL और CPL हमारा क्या है? बेसिकली जब आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले होते हैं PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अब प्राइवेट पायलट लाइसेंस है वो कोई भी ले सकता है, लाइक किसी को भी शौक है तो वो अपना मतलब ये लाइसेंस लेकर अपनी फ्लाइंग कर सकता है। बट अगर आपको एयरलाइन में आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कमर्शियली फ्लाई करें तो उसके लिए आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना लाजमी है। ठीक है। अभी बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं जब हम कमर्शियल के लिए लाइसेंस की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइवेट होता है फिर कमर्शियल होता है। मेरी प्राइवेट की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, इंटरव्यू क्लियर है, चेक क्लियर है और अभी बेसिकली पाकिस्तान में एग्जाम्स जो है ना वो अभी नहीं हो रहे हैं तो आई होप कि बहुत जल्दी वो एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। साथ साथ मेरी अभी CPL की जो ट्रेनिंग है वो आजकल चल रही है कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। ठीक है, वो तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल है कि जहाज हमारा उड़ा रही हैं और साथ आपके ड्रामास भी लोग देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्ट करना कैमरे पर आके, अपने आप को किसी भी कैरेक्टर में ढालना और कभी आसूदा हाल लड़की कभी परेशान हाल लड़की बनना, ये ज़्यादा मुश्किल है या फिर जहाज़ उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है? मुझे लगता है कि लाइफ में जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, बट चूंकि मुझे एक्टिंग करने में भी मज़ा आता था और मुझे लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं करती थी, अच्छा लगता था, लोग अप्रिशिएट करते थे। अच्छा लोगों को ना समटाइम्स ये चीज़ बहुत आसान लगती है कि शायद यूनिफॉर्म पहन लिया। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि पैसा हो तो कोई भी पायलट बन जाता है। ये कुछ भी आसान नहीं होता, हमें दूसरे की लाइफ देखकर लगता ज़रूर है कि दूसरे के बहुत मज़े हैं और चीज़ें आसान हैं। अच्छा इसकी क्या वजह है? हम अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, ये चूँकि आवाम इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि एक एक्ट्रेस बनने के लिए पाकिस्तान में ख्वातीन को बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। वैसे मैं ज़्यादा तौर पे इससे जो है इख्तलाफ़ करता हूँ क्योंकि एंकर्स के बारे में भी इस तरह की बातें मशहूर की जाती हैं, तो क्या हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की कोई ऐसी डार्क साइड भी है? देखिए बात यह है कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आप शोबिज़ को ले लें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को ले लें, आप कोई भी जगह उठा लें, ठीक है, इवन टीचिंग को बहुत समझा जाता है, लेकिन टीचिंग में भी आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं। ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं या आप लाइफ में आगे कैसे जाना चाह रहे हैं। तालीमी मैदान में कहाँ पे खुद को आपने देखा, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज या फिर एक्सेलेंट स्टूडेंट? अच्छा मैं वो बच्चा थी जो साथ साथ खेल कूद भी रहा होता था, शरारतें भी कर रहा होता था और पढ़ भी रहा होता था और जो 75 से 80 के बीच में कहीं पर जो है ना वो लाए करता था, जिसके मार्क्स लाए करते थे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए क्योंकि लाइफ में सिर्फ आपको आपके मार्क्स जो है ना वो नहीं लेकर जाते हैं, क्रिएटिविटी और सब कुछ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि जो 50% मार्क्स लेते रहे, ये 60% लेते रहे लेकिन आज वो बहुत कामयाब है। तो हमारी इस सोसाइटी में ये जो माइंड सेट है ना कि जो 100% आप बेचारे बच्चे को इतना प्रेशर में ले आते हैं कि उसके एक दो पर कई दफ़ा हम न्यूज़ सुनते हैं कि फलाने सुसाइड कर ली, उसका मेरिट नहीं आया। तो हमें अपने बच्चों को प्रेशर से निकालना चाहिए पहले। तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, ज़्यादा मनी मेकिंग क्या है, कमर्शियल फ्लाइंग या फिर एक्टिंग? अगर तो आपको एक अच्छा चांस मिल जाए एयरलाइन में तो यहाँ पर भी पैसा है और एक्टिंग में तो पैसा है ही है। अच्छा अम्मारा चौधरी की क्या प्रायोरिटी है, पैसा फेम? मुझे अगर पैसा और फेम चाहिए होता तो शायद मैं एक साल अपना ट्रेनिंग में ना लगाती, बिकॉज एज यू नो फ्लाइंग इटसेल्फ जो है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोफेशन है, लाइक यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है और उसके बाद भी है।
तो तकरीबन कितना पैसा लग जाता है एक शख्स को पायलट बनने के लिए? ऑलमोस्ट 45 लाख। 45 लाख आपको सिर्फ यहाँ पे किसी भी फ्लाइंग स्कूल में आपको जो फीस पे करना होती है, एग्जाम्स और बाकी सारी चीजें, वो अलग है। यानी जितने पैसों में बंदा डॉक्टर बनता है तकरीबन उतने पैसों में एक कमर्शियल पायलट बनता है। लेकिन डॉक्टर फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना एडजस्ट हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चीज़ें हैं, जबकि अब आकर एक काफ़ी अच्छी, जिसे कहते हैं ना, एक उम्मीद आई है कि बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस आ रही हैं पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से यह है कि बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी। अच्छा, दोस्तों ने और फैमिली ने क्या कहा जब आपने कहा कि मैं एक्टिंग से थोड़ा सा हट के और मैं कमर्शियल पायलट बनना चाहती हूँ, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? मेरे बाबा को ये था कि पहले उन्होंने थोड़ा सा कहा कि नहीं तुम देख लो क्या करना है, उन्हें ये था कि अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करो, अपनी कुछ चीज़ करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना फ्लाइंग करनी है और आगे जो है एयरलाइन के लिए ही परसू करना है। मैंने वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब एक्टिंग, चलो एक्टिंग छोड़ी है, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। यानी सपोर्टिव थे वो? सपोर्टिव थे। दोस्तों का थोड़ा सा ये था कि यार अच्छा तुम्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा, तो फिर मैं वहाँ पर थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा पता नहीं अभी ये लोग ये सोच रहे हैं बट करते हैं। मैंने फिर चुप करके स्टार्ट कर दिया, मैंने बताया नहीं। बट मुझे ये है कि देखें, आपको लाइफ में बहुत कम चांस मिलता है, और अगर आपको लाइफ में कुछ चांस मिल रहा है ना, तो आपको अवेल करना चाहिए। सही है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी आपने दिखाया भी कि आप फ्लाइंग करती हैं और जो है अभी सीख भी रही हैं कमर्शियल प्लेन्स को फ्लाई करना, तो जब स्टार्ट किया ये काम और हवा में आप गईं तो डर लगा? क्योंकि मशहूर है ये कि लड़कियाँ बड़ी खौफजदा हो जाती हैं ऊंचाई से या छिपकलियों से, इस तरह की चीज़ों से। अच्छा नहीं, मैं जब अपने इंस्ट्रक्टर के साथ गई थी तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर आपके इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको लेकर जाते हैं एयर एक्सपीरियंस के लिए, तो वो चेक करते हैं कि आपको डर लगता है हाइट से, या मतलब क्लाइंब कर रहे होते हैं, डिसेंड कर रहे होते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू वो चेक करते हैं कि आपको कितना डर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली लैंड भी आपने करना है, आपने टेक ऑफ भी करना है, अगर आप इन चीज़ों में घबराएंगे तो फिर आप रिस्क है लेकर जाना। तो मैंने उन्हें सर को बताया, मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो, तो सर कहते हैं कि मैंने भी देखा है तुम पक्की हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद पैशनेट थी, तो मुझे ये था करना है। अब अल्लाह का शुक्र है सोलोज भी किए हैं, वैसे भी फ्लाइंग चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, हमारा चौधरी के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चली। अच्छा, हमारा आपके इंस्टाग्राम पे भी पहले भी फॉलोअर्स थे, और जब से आपने जहाज़ उड़ाना शुरू किया तब से फॉलोअर्स की तादाद में भी इजाफा हो चुका है, और मैं ख़ुद देख रहा था कमेंट्स लोग बहुत कर रहे हैं कि हमारा आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, आप पायलट भी हैं, मुझसे शादी कर लें, तो प्रपोजल्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा आने लग गए होंगे। लेकिन अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? अभी तो मैं अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट करी हूँ, एंड ऑब्वियसली इसके बाद मेरा होगा कि मैं अपना करियर परसू करूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो अम्मा अब्बा कहेंगे। आपने एक प्रोग्राम में कहा कि अगर पायलट लड़का मिलेगा तभी शादी करूँगी, नहीं तो शादी नहीं करूँगी। नहीं, अच्छा बेसिकली वो मैंने इस वजह से कहा था कि जब मैंने पहले परमिशन ली घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब पाकिस्तान में एविएशन का इतना नहीं है लड़कियों के लिए स्कोप, ये वो, मतलब इस तरह के ऑब्वियसली पेरेंट्स के माइंड में चीज़ें आती हैं कि तुम 2 ईयर्स लगाओगी ट्रेनिंग पर, देन ये ना हो कि जॉब्स नहीं है, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। और मैं एक शो में गई और बाई चांस उन्होंने मुझसे पूछा आप शादी कब करी है, तो आउट ऑफ नो वेयर मैंने बोल दी जब कोई पायलट मिलेगा। यानी इस फैसले पे नज़रसानी हो चुकी है कि अगर पायलट ना भी हो तो चलेगा। अम्मा अब्बा ठीक है, वो जिसको बोलेंगे। सही सही है, बड़ी फर्मा बरदार आप जो है। हतमी फैसला उनके। अच्छा, हतमी फैसला उनके, वैसे सजेशन आपकी तरफ से जो है वो। अच्छा, हमारा ये बताएं मुझे कि एक लाइफ पार्टनर में क्या खसूसियात होनी चाहिए आपके मुताबिक, उसमें ये क्वालिटी हो और ये बुराई उसमें ना हो। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है वैसे तो ये। वैसे तो आसान भी है। लेकिन नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, मुझे लगता है इंसान सिगरेट ना पीता हो। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सिगरेट पी लेता हो, हम्बल होना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा सा हेल्पिंग होना चाहिए कि दूसरों को जहाँ पे देखे कि जरूरत है तो हेल्प करे। और पायलट ना भी हो तो खैर, पायलट हो भी तो भी आई डोंट माइंड। अच्छा, तो ये है कि बस अच्छा इंसान होना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्वालिटी जो आपको अट्रैक्ट करती है? मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो हम्बल होते हैं। अच्छा, जो इंसान को इंसान समझते हैं, हम्बलनेस। हाँ, और क्योंकि ये चीज़ जो है मैं आजकल के लोगों में देखती हूँ, थोड़ी सी अचीवमेंट आ जाती है, थोड़ा सा कुछ आ जाता है, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम्बल नहीं रहते। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ इंसान को विद टाइम रियलाइज़ होती है कि जब आप हम्बल होते हो तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा भी रहे होते हैं, और बहुत सारी नेमतें जो है वो आपको दे रहे होते हैं। मैंने तो ये सीखा है लाइफ में, इसलिए मैं ये चाहती हूँ और कुछ हो ना हो मेरा पार्टनर हम्बल होना चाहिए। सही है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप कामयाब कमर्शियल पायलट बने, और एक्ट्रेस तो माशाल्लाह पहले ही लाजवाब हैं। तो नाज़रीन, अमारा चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, और जहाँ पर ये ट्रेनिंग करती हैं
वहाँ पर हम आज मौजूद हैं और हमने इनके साथ गुफ्तगू भी की और देखा है किस तरीके से जो है ये अपने प्लेन को फ्लाई करती हैं और मज़ीद तैयारी इस हवाले से कर रही हैं कि ये कमर्शियल पायलट भी बन सकें। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।